क्वेस्ट फाउंडेशन प्रेजेंट्स माँ स्वामिनी प्रेरणा. थीम ऑफ दिस करंट इशू इज चिंता तनाव हताशा. आ सदीनी एक खतरनाक व्याधि. चिंता तनाव अवसाद इस सदी की एक खतरनाक बीमारी. एंग्जायटी स्ट्रेस डिप्रेशन अ डेंजरस डिजीज ऑफ दिस सेंचुरी. September, October 2023, Volume number 3, Issue number 16. जीवन का शत्रु है तनाव. लेखक डॉक्टर ओम प्रकाश टाक. एक बार देर रात तक काम में व्यस्त और हमेशा तनावग्रस्त रहने वाला एक व्यक्ति औषधि और परामर्श पाने की गरज से मनोचिकित्सक के पास पहुंचा. मनोचिकित्सक ने पहले उसके देह मन की परीक्षा की और फिर उसे प्रतिदिन एक घंटा बगीचे में टहलने और सप्ताह में कुछ समय किसी शमशान में बिताने की सलाह दी. रोगी को टहलने की बात तो समझ आ गई, लेकिन शमशान वाली बात बहुत अजीब लगी. जब उसने इसका औचित्य पूछा तो मनोचिकित्सक ने कहा कि हम शमशान में जाते हैं तो जलती चिताओं को देखते हैं और उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो संसार छोड़कर चले गए हैं. इससे हमें मृत्यु के परम सत्य को समझने में मदद मिलती है. वे लोग जिनका अंतिम संस्कार किया गया है मृत्यु पूर्व काम के बोझ से दबे थे और सोचते थे कि संसार का भार उन्हीं के कंधों पर है, लेकिन आज वे मुट्ठी भर राख में बदल गए हैं और दुनिया उनके बिना भी पूर्ववत चल रही है. इस प्रसंग का निहितार्थ यह है कि मृत्यु को सामने रखकर जीने वाला व्यक्ति कभी तनावग्रस्त, चिंतित और अवसाद में नहीं रह सकता. ईश्वर ने मृत्यु का विधान इसलिए रचा है ताकि जीवन का यथार्थ समझ में आ सके और मनुष्य अपने भीतर छिपी दिव्यता का संधान करते हुए आत्मस्वरूप से परिचित होने की राह पकड़ सके. आज अधिकांश लोगों की और विशेषतः युवाओं की शिकायत है कि उनके पास भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार है, लेकिन भीतर की शांति नहीं है और जीने की उमंग नहीं है. हम अपने आसपास के लोगों पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि उनमें प्रेम, सद्भाव और सेवा जैसे कोमल भावों का अभाव और क्रोध, निराशा, आक्रोश, अहंकार और भय जैसे पार्श्विक भावों का प्रसार हो रहा है. यह सामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि गंभीर खतरे का संकेत है. क्यों आज का इंसान प्रसन्न चित्त, सहज और प्रशांत नहीं रह पा रहा है? क्यों हमारे चारों ओर इतनी प्रतिस्पर्धा, बेचैनी, भयाकुलता और हिंसा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तमाम वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के बाद भी मानव जाति धीरे धीरे एक शून्य की तरफ बढ़ रही है और हमारे कर्णधारों को इसकी खबर तक नहीं है? आज देश और विश्व के मनोवैज्ञानिक यह स्वीकार कर रहे हैं यह तनावों की शताब्दी है और हम एक अवसादमय समय में जी रहे हैं. वस्तुतः जिसे तनाव, अवसाद और चिंता कहा जाता है वे एक तरह से शारीरिक मानसिक विकृतियां ही हैं. इन विकारों के रहते स्वस्थ, रचनात्मक और सार्थक जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि इन विकृतियों का कुप्रभाव हमारे विचार, व्यवहार, कर्म, दृष्टिकोण, रिश्तों आदि सब पर पड़ता है. व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन का कोई भी पक्ष इनके दुष्प्रभावों से अछूता नहीं रह पाता है. सच तो यह है कि तनाव और अवसाद से ग्रसित व्यक्ति हमेशा आधा बीमार रहता है और उसे अन्न जल भी नहीं पचता. अतः मानव को तनाव से मुक्त करना और उसे प्रशांति से आप्लावित रखना ही आज के समय की मूलभूत आवश्यकता है. आत्मशांति की महिमा बताते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम जितने शांत होंगे हमारे स्नायु भी अपेक्षाकृत कम तनाव में रहेंगे, उतना ही अधिक हम सीख सकेंगे तथा हमारा कार्य भी उतना ही अधिक उत्तम होगा. इसी तरह ग्रीस के महान दार्शनिक एपिक्टेटस सुखमय जीवन के सूत्रों की विवेचना करते हुए प्रशांति को ही मानसिक प्रगति का लक्ष्य मानते हैं. उनकी दृष्टि में उच्चतम जीवन का सबसे विश्वसनीय लक्षण है प्रशांति. मानसिक प्रगति वस्तुतः आंतरिक विक्षोभ से मुक्त होने पर प्रकट होती है और वही प्रशांति का आदि स्रोत है. इन दिनों चिकित्सक इस बात से हतप्रभ हैं कि अनेक युवा जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और जिन्हें कोई गंभीर रोग नहीं है, वे अचानक हृदयाघात के शिकार बन रहे हैं. इसका प्रमुख कारण है कि युवा पीढ़ी का ध्यान शरीर को पुष्ट और बलवान बनाने पर तो है, लेकिन वे मानसिक स्वास्थ्य के विषय में प्रायः अनभिज्ञ हैं
या उसकी निरंतर उपेक्षा कर रहे हैं। सच यह है कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य की तरह बल्कि कई मायनों में उससे अधिक महत्व रखता है। क्षीण मनोबल स्वस्थ शरीर को भी निर्बल बना देता है और उच्च मनोबल व्याधिग्रस्त शरीर में भी नई जान फूंक देता है। सारे तनाव नकारात्मक विचारों की उपज है और वे मन में ही घर बनाते हैं और जीवनी शक्ति को खा जाते हैं। आज नित्य जागृत रहकर अपने मन को संभाले रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। मन से ही स्वर्ग का नरक बनता है और नरक का स्वर्ग मन ही बनाता है और व्याधियों का मुख भी खोलता है। हमें उत्तम गति और अधोगति देने वाला मन ही है। प्रसन्न, धैर्यवान और निर्मल मन संसार की सबसे मूल्यवान पूंजी है। मन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसे जिस चीज का चस्का लग जाता है वह उसी में रमने लगता है। अतः मन को योग, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, प्रार्थना आदि उदात्त भाव एवं क्रियाओं की खुराक निरंतर मिलती रहनी चाहिए। इसी से वह स्वस्थ, सबल एवं संस्कारी बना रह सकता है और यही तनाव एवं अवसाद के उन्मूलन की सबसे बड़ी औषधि है। एक तनाव रहित मन अपनी मूल्यवान ऊर्जा को बिखरने से बचाता है और उसे एकाग्रता पूर्वक किसी लाभप्रद कार्य में निवेश करता है, जिससे मानव जीवन सफल एवं सार्थक बनता है। ध्यान रहे, जीवन अपनी इच्छानुकूल चलना नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुरूप चलता है। जब हम अपनी अभिलाषाओं का सामंजस्य प्रकृति के साथ स्थापित करने में समर्थ हो जाते हैं तो तनाव, अवसाद, भय, चिंता जैसे जीवन के सभी शत्रु एक साथ पराजित हो जाते हैं और आंतरिक शांति, धीरता और प्रसन्नता हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ती चली जाती है। यही आनंद प्राप्ति का मार्ग है। लव द वाइब, एक्सप्लोर सच इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट्स एट www.questfoundation.org.in